नमस्कार छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की पांचवी पोएम जिसका नाम है आई वो टू दी माई कंट्री और कंपोज्ड बाय सर सेसिल स्प्रिंग राइस। ये इसके रचयिता हैं। इनका जो कवि है, इनका जन्म 1859 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1918 ईस्वी में हुई थी। कवि इस कविता में अपने देश के प्रति जो उनके भाव हैं, जो देशभक्ति के जो भाव हैं, उनको दर्शाते हैं। जैसे देखिए, अबाउट द पोएम, द पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स डीप लव फॉर हिज कंट्री। यह कविता कवि के द्वारा, जो कवि के हृदय में अपने देश के लिए गहरा प्रेम है, गहन प्रेम है, ठीक है, उसको व्यक्त करती है। हिज लव फॉर हिज कंट्री इज एंटायर एंड परफेक्ट। जो कवि है उसका प्रेम अपने देश के लिए समर्पित भावना से पूर्ण प्रेम है। वो अपने देश से पूर्ण रूप से प्रेम करता है। ही इज़ प्रिपेयर टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर इट। वह अपने देश के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार है। दिस पोएम इज फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स एंड इंस्पायरस टू बी अ ट्रू पैट्रियट। यह कविता इज फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्त की भावना से भरी हुई है और हमें भी सच्चे देशभक्त बनने के लिए उत्साहित करती है, प्रेरित करती है। तो जानिए इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं। देखिए पहला स्टेंजा, आई वो टू दी माई कंट्री ऑल अर्थली थिंग्स अबव एंटायर एंड होल एंड परफेक्ट द सर्विस ऑफ माई लव। अपने देश के प्रति ये जो कवि हैं प्रतिज्ञा शपथ लेते हुए कहते हैं, हे मेरे देश, मैं ऑल अर्थली थिंग्स अबव, मैं सभी सांसारिक चीज़ों से बढ़कर एंटायर एंड होल एंड परफेक्ट। एंटायर मान संपूर्ण, होल मान संपूर्ण सारा, परफेक्ट माने पूर्ण रूप से, अपने प्रेम के, अपने संपूर्ण प्रेम के द्वारा मैं ये तुम्हें शपथ लेके कहता हूँ कि सभी सांसारिक चीज़ों से अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ अपने देश के प्रति। दैट लव दैट आस्क नो द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, ऐसा प्रेम जो आस्क नो क्वेश्चन, जो कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता, अर्थात ऐसा प्रेम करता हूँ जो बिना शर्त का है, निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। देश, मैं तुमसे शपथ लेकर कहता हूँ कि समस्त सांसारिक चीज़ों से बढ़कर मैं तुमसे पूर्ण रूप से पूरा सच्चा प्रेम करता हूँ, ऐसा प्रेम करता हूँ जो कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता या कोई प्रश्न नहीं उठाता, अर्थात बिना किसी शर्त का निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। द लव दैट स्टैंड्स द बेस्ट टेस्ट, द लव दैट स्टैंड्स द टेस्ट, ऐसा प्रेम करता हूँ जो हमेशा टेस्ट माने परीक्षा देने के लिए तैयार रहता है। दैट लेज अपॉन द आल्टर डियरेस्ट एंड द बेस्ट, ऐसा प्रेम जो हमेशा अपनी संपूर्ण सबसे प्रिय और सबसे अच्छी वस्तु की बलि देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। द लव दैट नेवर फाल्टर्स, मैं अपने देश से ऐसा प्रेम करता हूँ जो कभी भी चूक नहीं करता है। द लव दैट पेज द प्राइज, ऐसा प्रेम करता हूँ अपने देश से जो अपने देश के लिए पूर्ण कीमत चुकाने को तैयार रहता है। द लव दैट मेक्स अनडाउंटेड द फाइनल सेक्रीफाइस, और मैं अपने देश से ऐसा प्रेम करता हूँ जो निर्भीक होकर, निडर होकर के अपना अंतिम सबसे बड़ा बलिदान करने को तैयार रहता है, अर्थात मैं अपने देश से ऐसा प्रेम करता हूँ कि यदि आवश्यकता पड़ जाए तो अपना सर्वस्व बलिदान यानी कि अपने प्राण भी अपने देश की सुरक्षा के लिए दे दूँ। ये सर सेसिल स्प्रिंग राइस द्वारा रचित कविता है, उसको मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, इसकी व्याख्या हिंदी में की। और ये कविता बहुत इम्पॉर्टेंट कविता है। ये आपको कैसी लगी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इसकी व्याख्या आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें
और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लगातार लाते रहता हूँ। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।